ऑक्यूपेशन की बात करें तो ज़्यादातर जो इंडियंस गए थे अर्ली फेज में वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में गए थे, क्योंकि वो बधुआ मजदूर अंग्रेज उनको बना के लेके गए थे। तो वो शुगर प्लांटेशन हो गया या बनाना का प्लांटेशन हो गया, इन सब में काम किया करते थे। कुछ सेल्समैन भी बन गए विक्टोरिया और क्वींसलैंड में, और कुछ नेक्स्ट जनरेशन जो थे वो टैक्सी ड्राइवर या जो ये छोटे छोटे दुकानें वगैरह खुली होती हैं रिटेल होलसेलर की, वहाँ पर काम करने लगे। गार्ड्स बन गए, रेस्टोरेंट ओनर बन गए, इंडस्ट्रियल वर्कर बन गए। लेकिन जो न्यू जनरेशन गई है ना वो काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स गए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स 600 गए हैं, ठीक है, एंड इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, हेल्थ वर्कर, टेक्नीशियन, टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह गए हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स भी काफ़ी ज़्यादा गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 40% जो लोग हैं वो IT प्रोफेशनल्स वहाँ पर गए हैं फॉर बिजनेस एंड एक्सेट्रा। तो इनकम अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जो हाफ वहाँ की पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो 16,000 से $40,000 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाती है। एंड उसके बाद जो 10% पॉपुलेशन है ना वो एकदम रिच है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, IT, मेडिसिन, एकेडमिक्स वगैरह में हैं, ठीक है, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी फॉर्मेशन विद इन इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी। तो जैसे देखिए, इंडिया खुद ही एक अपने आप में बहुत डाइवर्स, बहुत ही विविधता वाला देश है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बहुत डिस्टिंक्ट कल्चर है हम भारतीयों का ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हर माइग्रेंट जो जाता है वो अपनी एक कहानी, एक अपना कल्चर लेके जाता है। तो हम 4 कैटेगरी में इन माइग्रेंट्स को रख सकते हैं। 1 जो ओल्ड माइग्रेशन है, 2 जो न्यू माइग्रेंट्स हैं, और 3 जो ज्योग्राफिकली इनडायरेक्ट इंडियन माइग्रेंट्स हैं, एंड 4 द सेकेंड जनरेशन ऑस्ट्रेलियन बोर्न इंडियंस हैं। तो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो वो बधुआ मजदूर थे और ज़्यादातर उसमें से हिंदूज थे, एंड उन लोगों को कोई बैड हैबिट वगैरह नहीं था, ठीक है, कोई ओपियम ओपियम खाना, वाइन, ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। और धानगर्स थे छोटा नागपुर से, एंड और धीरे धीरे समय के साथ ये लोग एकदम डिसअपेयर हो गए, कोई ट्रेस भी नहीं रहा। अगर हम सिख 400 वहाँ पे रहते थे जो पंजाब से गए थे, ठीक है, और पंजाबी मुस्लिम और अफगान्स भी रहते थे जो कि गोल्ड फील्ड्स वगैरह में 1890s के टाइम पे जाते हैं, और उन लोगों के कुछ फैमिली वाले वहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये लोग जो थे वो फर्स्ट जो वेव था, यानी जो बेसिकली लेबर बना के लेके गए थे, वो लोग ही गए थे। और इन लोगों का जो ड्रेसिंग स्टाइल, जिस तरीके का रहन सहन ये सब था, वो बहुत ही अलग था, ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग अगर अभी भी हैं जो बधुआ मजदूर की तरह गए थे वहाँ पे, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और इन्हीं सब के फील्ड में, सेल्समैन वगैरह के फील्ड में ही हैं। जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ भारत से गए हैं, ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे, मतलब अमीर घर से आते हैं, और ये जो वाइट ऑस्ट्रेलियन है उनके साथ भी काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। इनके बीच में, यानी जो ये पढ़े लिखे एकदम जो गए और बधुआ मजदूर में क्या डिफरेंस था, इस लाइफस्टाइल था और इन लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत अंतर था, ठीक है। अब जो ज्योग्राफिकली इनडायरेक्ट जो मैं थर्ड टाइप के बारे में बात कर रही थी, ये इस प्रकार के लोग थे जो भारतीय ओरिजिन के थे पर दूसरे जगह रहते थे। मजदूर बना के अंग्रेज बहुत सारे भारतीयों को लेके गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में उनको लेके गए थे, जैसे कि बर्मा हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये लोग क्या थे, ये भारतीय ओरिजिन के थे लेकिन इन सब कंट्रीज में बस गए थे, जो कि बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकली इनडायरेक्ट इमिग्रेंट्स, मतलब भारत के थे तो इनको अंग्रेज बधुआ बना के किसी और देश में लेके गए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका वगैरह, और ये लोग यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। एंड इन लोगों का जो रहन सहन और आइडेंटिटी है वो भारतीय लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो गई है, बिकॉज भारत से वो लोग दूसरे देश में जा चुके हैं तो उसका कल्चर उनके अंदर काफ़ी आ गया होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न इंडियंस है, यानी जिसके जो लोग बहुत पुराने से रह रहे हैं और उनके मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए, और वो जो है एक तरीके से हाफ ऑस्ट्रेलियन हाफ इंडियन हो गया, चाहे इस टाइप के। तो ये लोगों का जो पेरेंट का नेशन है, मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया से गई हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, तो वो क्या होता है कि वो बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, वो अपने भी कल्चर, जो भारतीय कल्चर है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ की भी लाइफ स्टाइल वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं, और उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी बनती है। जो ओल्डर इमिग्रेंट्स हैं, जो बधुआ मजदूर बन के गए थे, और जो इनडायरेक्ट इमिग्रेंट्स हैं, जो बधुआ मजदूर बन के दूसरे देश में गए थे फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, वो लोगों का जो लाइफस्टाइल और रहन सहन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है,
फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, और जो नए जमाने में गए हैं उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी वाइट लोगों की तरह है, काफ़ी मॉडर्न है, बिकॉज़ वो अच्छे रिच घरों से आते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी, धर्म, जैसे कि मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, ये सब आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगा, मेन सिटीज़ में भी और आउटर सिटीज़ एरियाज़ में भी। क्या है कि जो पुराने आए जो नए आए उनमें सोशो कल्चर डिफरेंसेस, धर्म को लेके डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट फिर भी वहाँ पे वो लोग जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हम फूड कल्चर या फूड हैबिट की बात करें, या रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए, या रेस्टोरेंट हो गया, या कहीं भी जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, वो सब चीज़ें हैं जो कॉमन बॉन्ड शेयर करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडियंस फिजी में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में बसे हैं, तो जो वो अपना फूड कल्चर लेके गए हैं, अपना रिलीजन लेके गए हैं, और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स और टेम्पल्स वगैरह खुल गए हैं, वो एक तरीके से उनको एक नॉस्टैल्जिया देते हैं, जैसे कि वो अपने भारत को याद कर सके, ठीक है। उसके बाद भारतीय लोगों की जो इकोनॉमिक पावर है उसको थोड़ा मतलब एम्पावर करने के लिए, उनको मतलब मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सारे ईटिंग जॉइंट्स, म्यूजिक शॉप, क्लोथिंग शॉप, एथनिक ड्रेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी हैं वहाँ पे, ठीक है। कि देखिए, जो भारतीय लोग हैं वो अपने घर से दूर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जब वो देखते हैं, चीज़ें जो वहाँ पे हैं, तो उनको अपनी कंट्री की याद दिलाती हैं, तो सब कुछ वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स, मतलब भारत भी डाइवर्स है, जिस तरीके से पता है आपको विविधता वाला देश भारत है, तो बहुत विविध प्रकार के लोग, अलग अलग रीजन से भारत के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज वाले वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिजी या न्यूजीलैंड में रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से एक कम्युनिटी बन गई है जो कुछ आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करती है, कुछ को नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे रीजन्स और लैंग्वेज की आइडेंटिटी से खुद को जोड़ने वाले लोग मिल जाते हैं, रीजन जैसे गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, सिख, बंगाली, मराठी, काफ़ी सारे लोग मतलब हमें देखने को मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिजी या न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे रेडियो चैनल्स और सैटेलाइट चैनल्स हैं जो इस लैंग्वेजेस में उनको शो दिखाते हैं, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भी कन्नड़ में, गुजराती में या मराठी या बंगाली में शो देख सकते हैं। कई सारे मैगजीन्स भी हमारी भारतीय भाषाओं में, जैसे कि इंडियन लिंक, देशी स्टाइल, इंडियन टाइम्स, इंडियन पोस्ट पब्लिश होती हैं इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में, तो देख रहे हैं हमारे कल्चर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। हिंदी भी एक लैंग्वेज है जो इमिग्रेंट्स को उनके घर से जोड़ के देखती है, ठीक है। बहुत सारे रीजनल क्विजींस आपको इंडियन वहाँ पे, मतलब रीजनल हमारे भारतीय जो खाने होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि मेलबोर्न और सिडनी वगैरह में आपको, इवन स्मॉल टाउन्स जो वहाँ का विक्टोरिया या क्वींसलैंड है, वहाँ भी हमारे भारतीय खाना मिल जाएंगे। कास्ट जो आइडेंटिटी है, जैसे कि भारत में जब आप थे तो कोई ना कोई आप कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट आइडेंटिटी जो पुराने समय पे जो लेबर बन के गए थे या उस टाइप के लोग जो लेस क्वालिफाइड थे उनके बीच में हमें देखने को मिल जाता है, बट वैसे ख़त्म हो गया है। अगर हम इंडो फिजियंस की बात करें, यानी जो आधे भारतीय और आधी फिजी देश के हैं, वो भी एक अपना अलग कल्चर मेंटेन करके रखते हैं, एक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एक फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन है जो कि 2000 में बना था, और एक और वहाँ पे एसोसिएशन है जिसको फिजी इंडियन सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, तो ये सब एसोसिएशंस भी हैं वहाँ पे। एक इंट कांग्रेस फॉर फिजी इंडियंस, मतलब जो लोग आधे फिजी और आधे इंडियन से हैं, मतलब उनके पेरेंट्स फिजी के रहे होंगे और उनके एक पेरेंट इंडिया के रहे होंगे, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस भी है और 64 टीम भी है, मतलब जो 64 गेम होता है वो खेलने वाली। उसके बाद कई सारे लैंग्वेजेस ये इमिग्रेंट्स बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो भारत से फिजी गए हैं और फिर उनका फिजी के साथ लोगों के साथ संबंध बना है, तो कहीं ना कहीं वो सेकेंड जनरेशन है, जैसे मतलब उनके फादर या मदर में से कोई एक इंडियन रहा होगा, एक फिजी का रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वो लोग अपना लैंग्वेज भूल गए हैं बिकॉज वो उनके बच्चे हैं, वो एग्जैक्टली रहे नहीं हैं, ठीक है। बट हाँ, गॉड वगैरह का जब पूजा वूजा होता है, चाहे रिलीजन संबंधित हिंदू रिलीजन का कुछ होता है, तो ये लोग जाते हैं तो खुद को कनेक्ट करके पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडो फिजियंस हैं वो अपना जो लैंड है, होमलैंड जिसको है, वो फिजी को समझते हैं, इंडिया को नहीं। बिकॉज क्या हुआ होगा कि जो इंडियंस थे वो फिजी गए होंगे और फिर उनका संबंध फिजी के लोगों से बना होगा और फिर वहाँ से ही वो उत्पन्न हुए होंगे और फिर या तो ऑस्ट्रेलिया चले गए होंगे या रह रहे होंगे, तो इसीलिए खुद को फिजी से कंट्रोल मतलब फिजी से कनेक्टेड महसूस करते हैं कंपेयर टू इंडिया। लेकिन हाँ, बॉलीवुड एक ऐसा लिंक है, बॉलीवुड पिक्चर्स, क्योंकि
जो भारत और फिजी और चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी लोगों को कनेक्ट करके रखता है। इवन एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी, उन्होंने योर इंडियन रूट्स प्रोग्राम करके इंडियन टूरिस्ट ऑफिस में हमारा टीवी पे दिखाती थी, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। नहीं आई थिंक हाँ, योर इंडियन रूट्स प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम था योर इंडियन रूट्स। ठीक है, ये प्रोग्राम दिखाती थी कि लोग अपने आप को कनेक्ट करके देख सके, इवन क्रिकेट की वजह से भी बॉन्ड बना रहता है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ होती है कि जब भी आप अपना देश छोड़ के जाते हैं, जैसे भारतीय छोड़ के फिजी में गए होंगे और फिजी के लोगों से संबंध बना के आगे फिर ऑस्ट्रेलिया में गए होंगे वगैरह, तो कभी भी जब आप किसी देश में जाएंगे तो वो देश हमेशा खुश नहीं होता बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करने में। फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडो फिजियंस हैं, या जो आधे इंडियन और आधे फिजी लोग हैं, वो काफी अच्छे से वहां पे रहते हैं। ठीक है, और जो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, जो इंडिया के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो काफी इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी, और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि और ग्रो करेंगे। आपको एक और फन फैक्ट बताती हूँ कि जो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया आता है ना, अगर कोई देखता होगा तो उसको पता होगा, तो उसमें बहुत सारे जो कंटेस्टेंट आते हैं वो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, या तो उनके मम्मी पापा इंडियन होते हैं, या उनके मम्मी पापा ने किसी मतलब ऑस्ट्रेलियन से शादी कर लिया होता, तो वो हाफ इंडियन हाफ ऑस्ट्रेलियन होते। इवन एक इंडियन ने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जीता भी था, किसी को पता हो तो कॉमेंट में बताइएगा उनका नाम। तो अगर हम बात करें अब इंडियंस इन न्यूजीलैंड की, तो वो देख लेते हैं।